हमारे चैनल हाउ टू सीखे के साथ अप टू डेट रहने के लिए सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल के आइकॉन को दबा लीजिए ताकि लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके सबसे पहले। हेलो फ्रेंड्स, हाउ टू सीखे चैनल पर एक बार आपका फिर से वेलकम करता हूं। और वीडियो को शुरू करने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, उसको दबा लीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और सब्सक्राइब करने के बाद एक बेल का आइकॉन आ जाएगा, आप उसको भी दबा लीजिएगा ताकि हर नया वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने सुकन्या समृद्धि योजना के ऊपर 4 वीडियो बनाए हैं और उन्हीं 4 वीडियो का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप इस वीडियो को देखने के बाद उन 4 वीडियो को भी देख सकते हैं और अपने सभी कन्फ्यूज़न दूर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में मैं आपको सुकन्या समृद्धि योजना के 7 बड़े फ़ायदों के बारे में बताने वाला हूँ और ये बताने वाला हूँ कि हम अपनी बेटी का ये अकाउंट क्यों खोलें। तो आज का ये वीडियो देखने के बाद आप अपनी बेटी के लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट ज़रूर खोलेंगे। तो चलिए जान लेते हैं सुकन्या समृद्धि योजना के 7 बड़े फ़ायदों के बारे में। अगर सबसे पहले फ़ायदे की बात करें तो सबसे पहला फ़ायदा जो सुकन्या समृद्धि योजना से है वो है कि इसका इंटरेस्ट रेट जो है वो सबसे ज़्यादा रहता है। भारत सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं संचालित की जाती हैं उन सभी योजनाओं में सुकन्या समृद्धि योजना में इंटरेस्ट रेट जो है वो सबसे ज़्यादा हाई रहता है। जब सुकन्या समृद्धि योजना को स्टार्ट किया गया था तो उस टाइम पर इसका जो इंटरेस्ट रेट था वो था 9.1, लेकिन लगातार सभी योजनाओं में इंटरेस्ट रेट जो है वो लगातार कम होता चला जा रहा है। इसीलिए सुकन्या समृद्धि योजना में भी इंटरेस्ट रेट जो है वो कम होता जा रहा है। वर्तमान इंटरेस्ट रेट की बात करें तो वर्तमान इंटरेस्ट रेट जो है वो 8.3 है। और मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि ये जो इंटरेस्ट रेट है वो भारत सरकार द्वारा घोषित किया जाता है और ये इंटरेस्ट रेट लगातार बदलता रहता है। अभी तक तो इंटरेस्ट रेट में कमी आ रही है, आगे कुछ नहीं कह सकते कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट में इंटरेस्ट रेट कम होगा या ज़्यादा होगा, लेकिन ये तो तय है कि भारत सरकार द्वारा जितनी भी योजनाएं चलाई जाती हैं उन सभी योजनाओं में सुकन्या समृद्धि अकाउंट में जो इंटरेस्ट रेट है वो सबसे ज़्यादा हाई रहता है। अगले फायदे की बात करें तो अगला फ़ायदा सुकन्या समृद्धि अकाउंट से आपके टैक्स सेविंग का है। यानी कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट में जो पैसा आप जमा करेंगे और मैच्योरिटी के बाद जो पैसा आपको दिया जाएगा, दोनों ही पैसे पर आपका टैक्स जो है वो पूरी तरीके से फ्री है। ऐसा सरकार द्वारा इसलिए किया गया है ताकि लोगों को इस योजना के प्रति प्रोत्साहित किया जा सके और ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपनी बेटियों के लिए सुकन्या समृद्धि अकाउंट ओपन कर सकें। तो फ्रेंड्स, यहाँ पर टैक्स सेविंग पूरी तरीके से हो रही है। तो फ्रेंड्स, सुकन्या समृद्धि अकाउंट अगर आपने खोल लिया है तो सुकन्या समृद्धि अकाउंट में आपको टैक्स का फ़ायदा मिलने वाला है, यानी कि आपको टैक्स की सेविंग होने वाली है। अगले फायदे की बात करें तो अगला फ़ायदा जो है वो है इसका लॉक इन पीरियड। यानी कि आप इस अकाउंट को जब ओपन कर लेते हैं तो आप इस अकाउंट के ओपन करने की डेट से ठीक 21 साल बाद ही इसमें से पैसा निकाल सकते हैं। अगर उससे पहले 18 साल की बेटी हो जाने पर अगर आपको अपनी बेटी के हायर एजुकेशन या फिर उसके विवाह के लिए पैसा चाहिए तो आप इस अकाउंट में से निकाल सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी बात है, उससे पहले आप इस अकाउंट से पैसा नहीं निकाल सकते। तो ये एक बहुत ही अच्छी योजना है क्योंकि इस योजना में अगर आपने अकाउंट खुलवा दिया तो आपकी बेटी का जो भविष्य है वो पूरी तरीके से सुरक्षित हो जाएगा और ज़रूरत पड़ने पर भी बीच में आप इसमें से पैसा नहीं निकाल पाएंगे, केवल उसके विवाह या फिर उसकी हायर एजुकेशन के लिए निकाल पाएंगे। ये काफ़ी अच्छी बात है। वैसे और योजनाओं में ऐसा होता है कि आप बीच में से पैसा निकाल लेते हैं तो योजना का पूरा लाभ नहीं मिल पाता, लेकिन इस योजना में ऐसा नहीं है, आपकी बेटी को इस योजना का पूरा लाभ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, ये काफ़ी अच्छी बात है। इसका जो लॉक पीरियड है वो काफ़ी अच्छा बनाया गया है ताकि हमारी बेटी की हायर एजुकेशन और उसके विवाह के लिए पैसा इकट्ठा हो सके। अगला जो सुकन्या समृद्धि अकाउंट का बड़ा फ़ायदा है वो है कि सुकन्या समृद्धि अकाउंट के पूरा हो जाने पर जो इसमें मैच्योरिटी की राशि मिलेगी वो आपको नहीं मिल सकती, वो आपकी बेटी को ही दी जाएगी। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि आप इसका मिसयूज़ नहीं कर सकते। आपका जब मैच्योरिटी हो जाएगी तो आपकी मैच्योरिटी होने के बाद
इस राशि को आपकी बेटी को दिया जाएगा और इस राशि का इस्तेमाल आप अपनी बेटी के हायर एजुकेशन और उसके विवाह के लिए कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमारी बेटी जो है वो फाइनेंशियली स्वतंत्र होगी, यानी कि वो बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी फाइनेंशियली तौर पर। तो ये काफ़ी अच्छा फ़ायदा है सुकन्या समृद्धि अकाउंट का। अगले फायदे की बात कर लें तो ऐसी कोई भी योजना नहीं है जिसमें मैच्योरिटी होने के बाद अगर आप उसमें से पैसा ना निकालें तो आपको इंटरेस्ट रेट मिलता रहे। लेकिन सुकन्या समृद्धि अकाउंट को इस तरीके से बनाया गया है कि अगर आपकी मैच्योरिटी हो जाती है, यानी कि आपके अकाउंट के 21 साल कंप्लीट हो जाते हैं और उसके बाद भी अगर आप उस पैसे को उस अकाउंट से नहीं निकालते हैं तो आपके इस पैसे पर लगातार इंटरेस्ट मिलता रहेगा, यानी कि आपका पैसा जो है वो लगातार बढ़ता रहेगा। तो ये काफ़ी अच्छी बात है। कभी कभी ऐसा होता है कि 21 साल पे हमें ज़रूरत नहीं है पैसे की, तो आप इस पैसे को मत निकालिए, आप इस पैसे को अकाउंट के अंदर पड़े रहने दीजिए और वो जैसे जैसे अकाउंट में पड़ा रहेगा उसकी ग्रोथ होती रहेगी। तो ये काफ़ी अच्छा फ़ायदा है इस योजना का, मुझे तो काफ़ी अच्छा लगा। अगर अगले फायदे की बात करें तो अगला फ़ायदा भी बहुत ही अच्छा है। सुकन्या समृद्धि अकाउंट में आवश्यकता अनुसार बहुत सारे परिवर्तन किए जा सकते हैं, यानी कि इसमें बहुत अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है। इस अकाउंट में काफ़ी अच्छी अच्छी फ्लेक्सिबिलिटी दी हुई है। अगर आप चाह रहे हैं कि मैं 1000 से अकाउंट खोल लेता हूँ, लेकिन अगर आपको किसी महीने ज़्यादा पैसे आ गए और अगर आप चाह रहे हैं कि मैं अपनी बेटी के इस अकाउंट में 1000 से ज़्यादा पैसे डालना चाहता हूँ, तो आप इसमें कितने भी पैसे डाल सकते हैं, यानी कि आप इसमें साल के 1.5 लाख रुपए तक डाल सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपने 1000 रुपए अकाउंट खोल दिया तो आप 1000 रुपए जमा कर पाएंगे, ऐसी कोई बाउंडेशन नहीं है। अगर आपके पास 2000 रुपए हैं, अगर आपके पास 3000 रुपए हैं, तो आप इस अकाउंट में 2000 3000 भी डाल सकते हैं। ये काफ़ी अच्छी सुविधा दी हुई है इसी अकाउंट में। और अगर अगली फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो लड़की की जब उम्र 10 साल हो जाती है तो 10 साल होने के बाद लड़की जो है वो इस अकाउंट को खुद मैनेज कर सकती है, खुद इसमें पैसा डाल सकती है, कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। ये भी काफ़ी अच्छी बात है कि लड़की के 10 साल होने के बाद लड़की खुद इस अकाउंट को मैनेज कर सकती है। सबसे अच्छी बात कि अगर लड़की एक शहर से दूसरे शहर में जाती है तो उसके इस अकाउंट को भी एक शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफ़र किया जा सकता है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात नहीं है। आप अपने पोस्ट ऑफिस या बैंक में जाएं और वहां पर जाके एप्लीकेशन दें और एप्लीकेशन देने के बाद आपका वो अकाउंट उस शहर से दूसरे शहर में ट्रांसफ़र कर दिया जाएगा जहां पर आपकी बेटी जा रही होगी। अगली फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट फ्लेक्सिबिलिटी है। अगर बाय चांस ऐसा हो जाता है कि इस अकाउंट को आगे चलाने में कोई सक्षम नहीं है, यानी कि जो अकाउंट को चला रहे हैं, यानी कि लड़की के माँ बाप या फिर उसके पालक जो भी हैं उस अकाउंट को चला रहे हैं, और अगर उनकी डेथ हो जाती है या परिवार में कोई भी ऐसा नहीं है जो इस अकाउंट को मैनेज कर सकता है, तो इस कंडीशन में इस अकाउंट को वहीं के वहीं बंद किया जा सकता है। ये काफ़ी अच्छी बात है और जो उस अकाउंट में पैसा होगा वो लड़की को दे दिया जाता है। अगला जो फ़ायदा है वो सबसे बड़ा फ़ायदा है इस योजना का, वो है हमारी बेटी का भविष्य जो है वो पूरी तरीके से सेफ हो जाता है और हमारी बेटी के भविष्य के लिए पहले से ही सेविंग शुरू हो जाती है। जैसे ही आप इस अकाउंट को ओपन करते हैं तो ओपन करने के बाद आप अपनी बेटी के लिए सेविंग शुरू कर देते हैं। ये काफ़ी अच्छी बात है, आगे चलकर आपकी लड़की जो है वो फाइनेंशियली स्ट्रांग हो जाती है। और सुकन्या समृद्धि योजना का पैसा सिर्फ लड़की की शिक्षा और शादी के लिए निकाला जा सकता है, मतलब लड़की के भविष्य के लिए सेविंग पहले से ही शुरू कर दी जाती है और यह राशि केवल लड़की के लिए ही यूज़ की जा सकती है। ऐसा नहीं है कि आप इस राशि को कहीं और यूज़ कर सकते हैं। तो ये काफ़ी अच्छी बात है कि हमारी बेटी का जो फ्यूचर है वो पूरी तरीके से सिक्योर हो जाएगा। और अगर आपने अभी तक इस योजना का अकाउंट अपनी बेटी के लिए नहीं खुलवाया तो इस योजना का अकाउंट आज ही अपनी बेटी के लिए खुलवा लीजिए, क्योंकि काफ़ी अच्छी बात है। और मैं आपको एक बात और क्लियर कर देता हूँ कि बेटी पैदा होने के फौरन बाद इस अकाउंट को खोल लेने में ज़्यादा फायदा है, क्योंकि जैसे जैसे बेटी की उम्र बढ़ती जाएगी वैसे वैसे इस अकाउंट की भी उम्र जो है वो बढ़ती जाएगी, इस अकाउंट का मैच्योरिटी पीरियड भी बढ़ता जाएगा। तो जितनी जल्दी आप इस अकाउंट को खोल लेंगे उतनी अच्छी बात है। और फ्रेंड्स, हम इस तरह के बहुत सारे यूजफुल वीडियो लाते रहेंगे। और फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको अपने फैमिली सर्किल और फ्रेंड सर्किल में ज़रूर शेयर कीजिए, ताकि किसी एक बेटी का भविष्य जो है वो पूरी तरीके से सिक्योर हो सके।
और मैंने इससे पहले भी 4 वीडियो सुकन्या समृद्धि योजना पर बना रखे हैं, उन सभी का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन पर दे दिया है, आप उनको भी देख सकते हैं और अपने सभी कंफ्यूजन को दूर कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इस तरह के और वीडियो पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो के ठीक नीचे एक लाल रंग का सब्सक्राइब का बटन दिख रहा होगा, आप उसको दबा लीजिए और दबा लेने के बाद एक बेल का आइकॉन आ जाएगा, आप उसको भी दबा लीजिएगा। उससे ये होगा कि हम जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करेंगे तो आप तक उस वीडियो का नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा और आप उस वीडियो को आसानी से देख पाएंगे। और अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लिया है तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, और अपना ख्याल रखिएगा, फिर मुलाकात होगी। थैंक यू।